आज तो गाड़ी खराब हो गई, क्या करोगे फिर? चले जाओगे? हमारा तो घर दूर लगता है, हमारा तो इनका बहुत दिल लगता है। बेहट एसजीओपी व थाना प्रभारी संतोष पटेल अपनी दरियादिली को लेकर आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं। एक बार फिर से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसजीओपी कुछ बच्चों से बात करते दिख रहे हैं और वहां मौजूद बच्चे भी बड़ी सहजता से उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आज तो गाड़ी खराब हो गई, क्या करोगे फिर? चले जाओगे? हमारा तो घर हमारा तो यहीं पर है, इनका बहुत दिल लगता है। तुम्हारा किसको बुलाओगे बेटा, कैसे जाओगे? पापा पे कॉल लगा देंगे। नंबर याद है क्या? पढ़ते हो तुम लोग? ये कक्षा दो है, मैं कक्षा पाँच में हूँ। ये गधा है, ये गधा कुछ भी नहीं आता इसको। क्यों? आपको क्या आता है? आपको 10 तक पढ़ी आते हैं, 9 का भूल जाते हैं। पके करते हैं तुम्हारे कलर? कलर मतलब पुट्टी, पुट्टी का काम करते हैं। अरे चले जाओगे पुलिस की गाड़ी है? बैठो आगे, गंदगी डली है साहब, इधर से बैठो, उधर से नहीं नहीं बेटा, वो घर पे छोड़ने जा रहे हैं, घर पे निकालो, घर पे आ गए हो तुम, जाओ आगे से। मैं घर छोड़ के आ रहे हैं ना, किसको जानते हो? तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ है ना, जो जाते हैं छोड़ दीजिए गाड़ी, तो घर छोड़ में जाते तुम्हें घर छोड़ के आ रहे हैं ना, जा कर चले आओ। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जाओ जाओ लेके जाओ, आराम से जाना, ठीक है? थाना हस्तिनापुर देहात भ्रमण के दौरान एक सुनसान रास्ते पर मारुति वैन जिसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे खराब हो गई थी। मैंने देखा एक आदमी और कुछ बच्चे धक्का लगा रहे हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी हस्तिनापुर राजकुमार राजावत थे और दो सिपाही थे। पहले प्रयास किया कि गाड़ी शायद धक्का लगाने से स्टार्ट हो, लेकिन नहीं स्टार्ट हुई। तब हमने स्वयं की थाने की गाड़ी से सभी 4-5 गांव के जो बच्चे थे उनको सकुशल घर छुड़वाया और उसके बाद ड्राइवर को अभी गाड़ी थाने बुलवाइए, चेक करेंगे उसका परमिट और उसके कागज, और नहीं होंगे तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा बच्चों के साथ कोई दुर्घटना भी ना हो। और साथ ही साथ ये शाम का टाइम है, होता है जब बच्चे छुट्टी होती है तो सागुसल घर पहुंचे। दरअसल ये वाकया ग्वालियर का है जहां मारुति वैन प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ले जा रही थी, लेकिन अचानक से गाड़ी खराब हो जाने के कारण पुलिस ने गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो पुलिस ने अपनी गाड़ी से आसपास के 4 गांवों के बच्चों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाया। संतोष पटेल अपने विचारों की वजह से जनता में काफी लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए खासा जगह है, जिसके चलते वो लोगों के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जिससे उनका भला हो सके।